हमको खाद के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। जब से कांग्रेस पार्टी आई है और इन्हें लालच दिया था कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, ना तो कर्जा माफ किया ना को खाद दे रहे। हम खाद के लिए भटक रहे, हम कहीं अभी तक खाद नहीं मिला हमको। 3 बोरी दे रहे, ये भी सुबह से बैठे हैं, अभी तक बोरी नहीं मिली है, खूब भीड़ पड़ रही है। क्या कितने दिनों से आप चक्कर काट रहे हो यूरिया के लिए? काट रहे कम से कम 8-10 दिन हो गए चक्कर काटते काटते। खाद मेरे पास 20 बीघा जमीन है और मेरे को अभी एक बोरी भी नहीं मिली है खाद। मैं इधर से उधर लोग किसानों से उधार पाँव लेके आया हूँ, लाइन में लगा हूँ, फिर भी खाद कह रहे हैं 3 बोरी दे रहे हैं, 2 बोरी दे रहे हैं, नहीं है, लाइन लगी है लंबी, और किसान परेशान हो रहे हैं और मैं भी परेशान हो रहा हूँ। मेरे को मोटर बंद पड़ी है सिंचाई करने के लिए। खाद का संकट एक बार फिर किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। प्रदेश भर में किसान खाद के लिए लंबी कतारों में इंतजार करते देखे जा रहे हैं। और तो और, खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा अब सड़क पर भी दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि इस साल अच्छी बारिश होने से गेहूं की खेती के लिए रकबा काफी बढ़ गया है। यही वजह है किसानों को इस वक्त खाद की जरूरत है, लेकिन इसकी किल्लत लगातार बनी हुई है। किसानों को जितनी जरूरत है उससे कहीं कम खाद उन्हें मयसर हो पा रही है। मुसीबत खाद की कमी ने तो बढ़ाई ही है, साथ ही इसकी कालाबाजारी ने नई समस्या पैदा कर दी है। किसानों के खेत बोनी के लिए तैयार हैं, लेकिन खेती के लिए पर्याप्त यूरिया नहीं मिलने से किसान हाथ पर हाथ रखकर बैठने पर विवश हैं। मध्य प्रदेश में छाया खाद का संकट, खाद के लिए लग रही लंबी कतारें, गेहूं की बोनी नहीं कर पा रहे किसान, किसानों का गुस्सा अब सड़क पर आने लगा है, मांग और आपूर्ति में बढ़ा अंतर, खाद की कालाबाजारी ने किसानों की मुश्किल बढ़ाई। खाद की कमी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, तो बीजेपी को मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। और केंद्र सरकार द्वारा खाद के वितरण में अनियमितता की गई थी, इस वर्ष भी उसी तरह की स्थिति बन रही है, लेकिन हमारी सरकार जल्द से जल्द कदम भी उठा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है ताकि मध्य प्रदेश के किसानों को खाद बीज की कोई कमी ना हो पाए। साथ ही शुद्धता के लिए भी एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि अमानक स्तर के खाद और बीज सोसाइटियों के माध्यम से ना बढ़ पाए। इसलिए किसानों के हित में कमलनाथ सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठाया। आज किसानों को खाद और बीज की बहुत दिक्कत है। वही दिग्विजय सिंह का दौर आ गया जब किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ती थी किसानों को खाद खरीदने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की थी, पर यह कांग्रेस की सरकार किसान विरोधी नीयत के कारण और नीति के कारण लगातार किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है। खाद का संकट गहराना मध्य प्रदेश में नई बात नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि हर बार इस तरह के हालात बनते हैं? जरूरत है किसानों को दिलासा या भरोसा दिलाने की। जरूरत है इस बात की कि किसानों को दिलासा या भरोसा दिलाने की बजाय उनकी समस्या को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है खाद पर संकट, और सरकार बदली है तो संकट कुछ ज्यादा नजर आ रहा है ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि दिलासा भरोसा ये सब नहीं चलता है, खाद की आवश्यकता होती है किसानों को जब फसल लगाना होता है, और फसल यदि लगती है तो उसमें खाद की आवश्यकता होती है, बिना खाद के आजकल काम चलता नहीं है। और इस समय तो परेशान है हर जगह किसान, जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही वो यही बता रही कि लंबी लंबी लाइनें हैं और जो खाद किसानों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचा ही नहीं है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश को 3,70,000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, लेकिन इस महीने यदि उसे सिर्फ 1,90,000 मीट्रिक टन खाद दी गई, जबकि होना यह चाहिए कि 8 रैक प्रतिदिन आना चाहिए, जब कहीं जाकर खाद का संकट दूर होगा। लेकिन दूसरी बात यह भी कही जा रही कि मार्कफेड के जरिए यह खाद पहुंचता है, लेकिन पुरानी वसूली नहीं होने की वजह से मार्कफेड ने खाद आगे नहीं दिया। अब किसान परेशान है, करे तो क्या करे। और फिर वही बात एक बार कि किसान पर संकट है, खाद को लेकर संकट है और किसान परेशान है। चलिए आज का मुद्दा हमारा यही है। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। किसान नेता है त्रिपाठी साहब मेरे साथ, मैं उनका स्वागत करता हूं, और साथ ही अमित तावरे हैं कांग्रेस के युवा नेता, उनका भी स्वागत करता हूं। खिलावन चंद्राकर हैं वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका, और साथ ही चेतन जी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले त्रिपाठी साहब के पास चलूंगा। त्रिपाठी जी, हकीकत क्या है? जो तस्वीरें सामने आ रही वो तो ये बता रही किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा, और किसानों को लेकर खूब राजनीति होती, किसी भी पार्टी की बात करें, हम भाजपा हो कांग्रेस हो,
किसान के नाम पर सत्ता में भी आती लेकिन किसान की स्थिति वही रहती। क्या वास्तव में किसानों को खाद की दिक्कत है? जी साहब, क्या है कि सत्ता में आने के बाद, सत्ता के पहले तो किसान और मजदूर उनको याद आते हैं, सत्ता में आने के बाद फिर ये किसान और मजदूरों की आप देख रहे हैं कि 4 बजे से लेकर के हमारे किसान जो समितियों में लाइन लगा के बैठे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसी उम्मीद में बैठे कि आज मिल जाएगा कल मिल जाएगा, लेकिन हर दिन लाइन लगा के बैठ रहे हैं तो भी खाद नहीं मिल रहा है। और इस समय पर खेती बाड़ी आप देख रहे हैं पीक पे है, अभी प्राकृतिक आपदा जो आपने देखा बारिश के बाद, जैसे केंद्र सरकार ने जो दोहरी चाल चरित्र देखी जो आपने, आज तक इन्होंने नहीं दिया वो मार, दूसरा अभी साहूकार का मार, तीसरा जो है खाद बीज ना मिल पाने के, खाद ना मिल पाने के कारण किसान बोनी नहीं कर पाएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी जी। तो हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से ये है कि दोहरी राजनीति बंद कर दें, राजनीति छोड़ करके किसानों की जो वास्तविक पीड़ा है जमीनी पीड़ा, उसको जो है ये सुने, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। त्रिपाठी, खाद की दिक्कत है कहाँ, क्या आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, सहकारी समितियों तक वहाँ खाद नहीं है या खाद की आपूर्ति की कमी है? ये भी कहा जा रहा है कि पुराना जो पैसा जमा नहीं हुआ है, ऋण डबल से मिल नहीं सकता, जिसके कारण ये दिक्कत खड़ी हो रही। अब इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीति है, नहीं मिल पा रही तो उपलब्ध कराना चाहिए, उसमें कालाबाजारी भी हो रही जी। तो इन सरकारों को चाहिए कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मुहैया कराए, तत्काल प्रभाव से कराए जी। अमित, जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जुमलेबाजी खूब चलती है किसी भी पार्टी को। अमित, सरकार आपकी है और किसानों के नाम पर सरकार बनी, किसानों का ऋण माफ भी आपने किया, लेकिन स्थितियां खाद को लेकर बड़ी बिकट है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सुबह 4 बजे से किसान लंबी लंबी लाइन में लग रहे हैं और उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कहां दिक्कत आ रही? देखिए, निश्चित तौर पर भारत की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते और जय जवान जय किसान का नारा देने वाली पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किसानों के प्रति रही है। और जिस तरह से पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश के किसान की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने की थी, आप तो खाद की बात कर रहे हो, जब वो खाद मांगते थे तो उनको मिलती थी सीने पे गोलियां। उस बातों को आज मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहूंगा चूंकि हम सरकार में हैं और विपक्ष की। कह दिया आपने तो। नहीं नहीं, बता रहा हूँ मैं उस बात को, यदि मैं पूरी बातें बताऊंगा, 15 साल का इतिहास बताऊंगा तो मुझे लगता है सुबह से शाम हो जाएगी। नहीं, आप तो ये बता दी खाद कब मिलेगा। नहीं, निश्चित तौर पर हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं और चूंकि आपने, हमने सभी ने देखा है, एक खाद का मुद्दा तो है ही, चूंकि केंद्र का जो पक्षपात रूप रवैया हो रहा है, चाहे वो किसानों के बजट के मामले में हो चाहे दूसरे बजट के मामले में हो, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो जो 3 महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए थे उनमें से एक फाइल जो है वो किसानों की भी थी। लगातार जो हमारे कृषि मंत्री और जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले इस हफ्ते में जो है वो खाद की कमी जो है वो दूर हो जाएगी, सभी किसानों को खाद मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए, चेतन जी कह रहे हैं कि बीजेपी के समय और दिक्कत थी, खाद की लंबी लाइनें लगी वो देख रहे हैं, हालांकि आप लोग ने इस मुद्दे को उठाया भी है, उतनी जोर शोर से तो नहीं उठाया, पर किसान परेशान है, केंद्र से मदद नहीं मिल रही, ऐसा राज्य सरकार का क्या? देखिए, मध्य प्रदेश का किसान आज उस मोड़ पर खड़ा है कि सारी फसल बर्बाद हो गई, सरकार की राहत अभी तक नहीं पहुंची। खाद देना है, मंत्री जी दौरे कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सरकार का अधिकृत जवाब है आपके सामने, आप मुझे बताइए कि खाद का दौरे से क्या लेना देना। और पहली फाइल किसानों के कर्ज माफी की आज दंश बन गया, जहर बन गया, आज सहकारी बैंकें कंगाल होने की कगार पर है। सर, मात्र 32 करोड़ रुपया मार्क फेड का नहीं देने के कारण आज सारे मध्य प्रदेश में किसानों को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। यूरिया नहीं है, हमको भी पता है डिमांड और सप्लाई का, पहले से हमको डिमांड भेजनी पड़ती है। मैं अगर गलत हूं तो आप भी चेक कर लीजिएगा। आज भी केंद्र सरकार के पास मध्य प्रदेश का कोई आरओ लंबित नहीं है। सर, आप कहते हो हमने पूरी बात की केंद्र सरकार की है, अरे भैया हर राज्य सरकार, मेरा घर है, मैं अपने घर की 10 दिन की व्यवस्था बना करके चलता हूँ। आज किसान कालाबाजारी से खाद लेने को मजबूर है, कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के लोग इसमें मिले हुए हैं, किसानों को मजबूर किया जा रहा है। आज हमने अनेक अखबारों की खबर है,
कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही धान की खरीद नहीं हो रही है, ये मजाक बन करके रह गई है सरकार। मुझे लगता है कि जिन सरकार ने, जो अभी मेरे मित्र कह रहे थे जुमले, सच में बहुत जुमला बन गया है मध्य प्रदेश की सरकार को, किन घड़ियों में इस सरकार की शपथ ग्रहण हुई उसको एक अच्छे पंडित से दिखवाना पड़ेगा, नहीं तो मध्य प्रदेश का बंटाढार 2003 चालू है और इस बार दुगनी गति के साथ चालू है, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को जो आपने कहा भत्ता देंगे वो नहीं मिल रहा, किसान फसल हुई नहीं मरा जा रहा है, जो हुई उसको आज इनकी सरकार खरीद नहीं पा रही, तोल कांटे आपके लग नहीं पा रहे। कांग्रेस तो दिल्ली में अल्लाह भी बोलने वाली है, आप लोग जो मदद नहीं कर रहे हैं किसानों के लिए, जो खाद का आवंटन केंद्र से होना चाहिए, पीयूष गोयल से मुख्यमंत्री ने बात भी की है लेकिन बात नहीं बनी। मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर केंद्र सरकार, अगर मध्य प्रदेश सरकार की नहीं सुनती है तो सुनाने का काम किसका है? मैं तो दूसरी बात कहता हूँ। चलिए अब आप जी, अगर आप में नैतिकता है हिम्मत, किसानों की हमदर्दी है, तो जाकर के सारी सरकार दिल्ली में घेर करके बैठे। अगर दर्द है वास्तव में तो, हमारी कमियां नहीं है तो, लेकिन जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश का किसान जिस चौराहे पर खड़ा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने को तैयार है और हम भी वेट एंड वॉच। अगर 7 दिनों में सारी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई मनोज जी, तो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में इनका मंत्री घुस नहीं पाएगा, दौरे नहीं कर पाएगा। और रही बात चौपाल की, चौराहों की, खलिहानों की, तो जब तक किसान के आंसू बंद नहीं होंगे तुम खुशियां मनाने के काबिल इस मध्य प्रदेश में नहीं रहो। चलिए खिलावन जी, खाद को लेकर पहले ये इस तरह की लाइनें देखी है हमने, लेकिन ये बात भी सच है कि लाइनें थोड़ी सी छोटी तो हुई थी, एक बार फिर वही चीजें दिख रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, किसान परेशान है। मार्कफेड अपनी बात कह रहा है कि पैसा जमा नहीं हुआ इसलिए खाद की किल्लत है, दूसरी तरफ यदि हम दोनों के बीच का भंडारण का आवंटन देखें तो वो उसमें भी कमी नजर आ रही। कैसे ये बात बनेगी? आपको लग रहा है कि ये जो मुसीबत सामने आने वाली, किसानों के सामने तो मुसीबत आ गई है लेकिन क्या ये मुसीबत सरकार की भी बढ़ेगी? निश्चित रूप से मनोज जी, आने वाले दिनों में सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती और किसान को, दोनों को, चाहे राज्य में कोई भी सरकार रहे चाहे केंद्र में कोई सरकार रहे, ये लोग प्राथमिकता के क्रम में रखते हैं। लेकिन हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनकी प्राथमिकता कभी भी खेती और किसान नहीं रहते। संभवतः यही कारण है कि हर साल चाहे वो भाजपा के 15 साल के शासनकाल हो या इस बार जो हम एक साल अभी कंप्लीट हुए 11 माह के शासनकाल में खाद की ज़रूरत है, तो हमने देखा कि प्रशासनिक कमियों के कारण ही खाद का संकट पैदा होता है हर बार। आपने और हमने बहुत लंबी लंबी लाइनें देखी हैं, हमने 3-3 रात किसानों को सोसाइटी के सामने जगते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि अब जो संकट है वो थोड़ा कम है, लेकिन पहले संकट बहुत ज़्यादा होता था। एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ मनोज जी, बताइए। आज 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 जब किसान खेती करने जाता है, बोनी करने जाता है, तो उनको प्रति एकड़ 2 बोरी DAP की जरूरत होती है जी। थोड़ा बहुत 5-10 किलो वो यूरिया भी डालते हैं, लेकिन बोनी के समय यदि DAP की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करा दी जाए तो मुझे लगता है कि संकट दूर हो जाएगा। दूसरी बात, 2 पानी देते हैं किसान, गेहूं की है तो धान में, तो आजकल धान की खेती भी हो रही है, धान में रेगुलर पानी भरा रहता है लेकिन 2 बार धान में यूरिया डाला जाता है बाद में, और गेहूं में भी 2 बार जब 2 पानी देते हैं तो दोनों पानी में साथ में यूरिया डाला जाता है। अर्थात 1 एकड़ के किसान को 2 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया की जरूरत होती है। अब इस आवश्यकता को हमारे अधिकारी समझें और उसी के अनुसार डिमांड करें और उसी के अनुसार सोसाइटी में, प्राइवेट एजेंसियों में आपूर्ति सुनिश्चित करें, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा संकट दूर हो जाएगा। आपने आपने आंकड़ा बताया 370 लाख मीट्रिक टन की जरूरत है जी। मुझे लगता है इससे कुछ ज्यादा जरूरत है किसानों को। जिस तरह से बोनी का क्षेत्र देखें अपन, कितने जमीन में फसल बोई गई है इसको देखें, इसको आकलन करें, तो मुझे लगता है कि 4 लाख मीट्रिक टन की लगभग जरूरत महसूस होती है। और आपूर्ति कितना कम है, आपने आंकड़ा बताया, मुझे तो लगता है कि वो आंकड़ा सरकारी आंकड़ा होगा, उससे भी कम आपूर्ति होगी। हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जी अमित जी बैठे हैं, त्रिवेणी जी भी बैठे हैं और चेतन भाई भी बैठे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किसानों के कर्ज माफी को लेकर के जो बात हुई थी जी,
आज फील्ड में 49,000 और 50,000 से ज्यादा के 50,000 से ज्यादा के एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें किसानों के कर्ज माफ हुए हों। अब वो तो 14 लाख किसानों का कर्ज माफी की बात तो अभी सरकार कह रही करना है, उन किसानों को बिल्कुल वहां से सोसाइटी से खाद और बीज उपलब्ध, खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, जो 50 से ज्यादा जिनके ऋण है और जिनके ऋण माफी नहीं हुए उनको तो आप जो सोसाइटी हाथ ही रखने नहीं दे रही है। त्रिवेदी जी क्या सही कह रहे हैं? सही कोई नहीं कह रहा है, मैं सीधा सब कह दूं कि 28 सांसद मध्य प्रदेश से सदन में गए हुए हैं, वो भी सो रहे हैं। जैसे भी चेतन भाई ने कहा कि हमको घेरना चाहिए केंद्र को, तो जरूर आए हमारे राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले या अपना ही सब लोग ले चलते हैं वहां पे, केंद्र प्रदेश सरकार भी चलती है और यहाँ के जो विपक्ष है वो भी चलते हैं और चल करके ये नूरा कुश्ती से काम नहीं चलेगा। समय पर उनकी अगर बोरी नहीं हो पाएगी तो इस किसान के क्या असर होगा किसी को जो नहीं पता। ये जन आंदोलन की तरफ ये दोनों पार्टियां या जो भी पार्टियां हैं वो बढ़ा रही हैं। नहीं, किसानों का क्या रुख है? जैसे चलिए पार्टी को थोड़ी देर के लिए अलग कर दीजिए, कौन सी पार्टी किसके साथ है वो अलग मुद्दा है, लेकिन किसानों का इस समय रुख क्या है? आप खुद किसान नेता है, किसानों के जी रुख, किसान को समय से अगर बोनी नहीं कर पाएंगे तो आत्महत्याएं बढ़ेंगी, खेती हो नहीं पाएगी, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि किसानों खाद के साथ पोटाश लेना जरूरी, शायद ऐसा कुछ भी जरूरी कर रखा है, ऐसा कुछ है क्या? क्या चीज? खाद के साथ पोटाश लेना भी जरूरी है ऐसा? हाँ, वो बोनी के समय में लगता है कि वो जरूरी है, जैसा कि अभी पत्रकार जी ने बताया वो 100% सही है कि समय से अगर पोटाश डीएपी मिल जाए तो बोनी में जो है काम आ जाए, फिर उसके बाद यूरिया दे दें, लेकिन कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है साहब। कैसे सिस्टम सुधरेगा अमित? सुधारने के लिए इनकी सरकारें हैं, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनको सबको मिलकर करना चाहिए और यहाँ के किसानों मजदूरों ने जो है दोनों पार्टियों को बराबर इज्जत दी है, लेकिन उपेक्षा हुए जो किसान है अभी देख रहे हैं बाढ़ से, फिर अब कहीं से साहूकारी से लेके और किसी तरह से अपना कर रहे हैं। कर्ज माफी तो अभी दूर है, आप पहले बोनी हो जाए, नहीं तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्या स्थिति बनेगी प्रदेश में? अमित कैसे सुधरेगा? आप कह रहे हैं कि इस हफ्ते में व्यवस्थाएं जम जाएंगी, तो कैसे, क्या सरकार से बात हो रही है, कैसे, मतलब कैसे आप विश्वास दिलाएंगे लोगों को, किसानों को, किसान को लेकर आप सरकार में आए? देखिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश जो है वो किसान बहुल प्रदेश है और सबसे महत्वपूर्ण यदि हमने वचन पत्र में किसी के लिए बातें कही हैं तो वो किसानों के लिए बातें कही हैं, चूंकि आप भी जानते हैं और पूरा मध्य प्रदेश जानता है और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व वित्त मंत्री थे उन्होंने भी कहा था कि भाई खजाना तो खाली है, खजाना पूरा खाली करके ये लोग गए हैं, लेकिन सीमित संसाधनों में भले ही हमारी आर्थिक स्थिति उसकी अनुमति दे या ना दे, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता कांग्रेस सरकार की, कमलनाथ जी की सरकार की प्राथमिकता यदि कोई है तो वो किसान है। हमारी नीति स्पष्ट है, हमारे मुख्यमंत्री जी का काम जो है वो लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं, इसी कारण मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक हफ्ते में आपको स्थिति सुधरी हुई दिखेगी। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, आपने देखा जब पिछले महीने जब किसान जो है वो पूरा मध्य प्रदेश जो है वो वर्षा से जो बदहाल हो रहा था, 55 लाख घर, 1.5 लाख किसान जो है वो त्राही त्राही मचा रहे, लेकिन जो लंबी लंबी लाइनें लगी वो एक बार मेरी बात सुन लीजिए, जिस तरीके से मेरे बड़े भाई भाजपा नेता ने कहा उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को अपने विधायकों की चिंता थी कि आप एक एक विधायक को चिट्ठी लिख रहे थे कि आप मुझे ये बताइए कि आपके विरुद्ध कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज है उनकी आप हमें जानकारी दीजिए, क्या नेता प्रतिपक्ष का ये इतना साहस नहीं कर पाए कि एक चिट्ठी जो है वो प्रधानमंत्री जी को भी लिख देते कि मध्य प्रदेश के लिए जो है आप किसान परेशान है और वहां के लिए आप राहत राशि उपलब्ध कराएं। आज मध्य प्रदेश के जो 28 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़ा दिल करके जो 28 सांसदों को जितवाया है, क्या उनका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि वो संसद में इस बात को बोले, प्रधानमंत्री जी से ज्ञापन लेके मिले? हमारे तो दिग्विजय सिंह जी ने भी बोला है, सांसदों को बोला है कि भाई आप पत्र लिखिए, धरना प्रदर्शन करिए, आप जाइए और अपने प्रधानमंत्री जी से मांग करिए। भाई कम से कम इस बात में तो राजनीति नहीं होना चाहिए, किसान किस तरीके से बदहाल स्थिति में अमित है? लेकिन स्थितियां ऐसी है कि लंबी लंबी लाइनें आप देख रहे हैं, कतार लगी हुई है, ये आप बातें कर रहे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार की, सरकार आपकी है पर ये जो हमारी सरकार है हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 15 साल की जो अव्यवस्था है उसको हमको यथास्थिति में सही स्थिति में लाने के लिए समय लगेगा और लगातार हम काम कर रहे हैं
और आप देखिए इसलिए झाबुआ के उपचुनाव में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और वहां पे हमको जिताया है, क्योंकि जनता को ये मालूम है थोड़ी बहुत देर हो रही है लेकिन कमलनाथ जी की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है, किसानों के प्रति समर्पित नेता का उनका जो भाव है ये किसानों को पता है। चलिए देर है अंधेर नहीं है ऐसा कांग्रेस कह रही है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें लगी है वहां, तो अभी अंधेरे में किसान जूझ रहा है। चेतन जी गड़बड़ तो आपकी तरफ से हो रही है। मनोज जी अभी तक के जो सरकार की तरफ से जो आंकड़े हैं मैं वही आपको पढ़ देता हूं। सतना के 99 जो सहकारी समितियां हैं उसमें एक बोरी भी यूरिया का नहीं आज की तारीख में। रीवा के हालात भी किसी से छिपे नहीं है। विदिशा में मात्र बता रहा हूं जी, 2 टन सहकारी समितियों के पास है। रायसेन में खाली है। सागर में लड़ाई झगड़े रोज हो रहे हैं, वहां का ताला नहीं खुल पा रहा सहकारी समितियों का। होशंगाबाद जबलपुर में लोग 2-2 दिन से लाइनों में लगे हैं, लेकिन खाद का रेक कब आएगा, कब उनका आवंटन होगा, कब वो किसान अपने खेत तक पहुंचाएगा और कब वो बोनी करेगा, ये हमारी व्यवस्था नहीं है सर। ये व्यवस्था जिनके हाथ में जो मध्य प्रदेश की जनता ने जो जिनको दिया है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। मेरे मित्र कमलनाथ, अरे कितना नाथ को चलाओगे यार, कितना चलाओगे? आपके यहाँ दिग्विजय सिंह जी उनको अपना नेता नहीं मानते, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब उनको अपना नेता नहीं मानते, घर में ही जिनकी स्वीकारता नहीं है उनको प्रदेश और केंद्र कहाँ से करने वाला। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं फिर से कहता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश शासन की नीति और नियत ठीक है तो सीना ठोक करके केंद्र सरकार के सामने क्यों नहीं खड़ा होता है, क्यों नहीं होता खड़ा? अगर चोरी मेरे उसमें है तो मैं सीना चोरी नहीं कर सकता सर। इसलिए मध्य प्रदेश के किसानों के साथ जो छल और कपट तुमने किया है ये मध्य प्रदेश का किसान बहुत अच्छे से समझता है। हम भी सरकार में रहे 15 साल, हमारे मुख्यमंत्री जी को कहीं अगर ओला भी पड़ता था तो दूसरे दिन खेत में जाकर के देखते थे किस तरह की विडंबना है। सारा प्रदेश अतिवर्षा से प्रभावित है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री को एक दिन दौरा करने की फुर्सत नहीं मिली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 13 लोग असामयिक काल के गाल में डूब करके मर जाते हैं और 1 किलोमीटर दूर पर छोटा तालाब का निरीक्षण करने की फुर्सत नहीं मिली। इस मध्य प्रदेश ने इतने इस प्रकार के मुख्यमंत्री को देखने की कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, जो मेरे मित्र कह रहे हैं ना 28, ये मध्य प्रदेश की जनता को पता था कि एक बार तो उसने गलती कर दी कांग्रेस को ला करके, दूसरी बार उसको गलती नहीं करनी थी। मतलब बीजेपी तैयार है, बीजेपी करने वाला, बीजेपी आगे के लिए तैयार है। नहीं, मैं कहता हूँ मनोज जी, कह देना मुख्यमंत्री जी प्रदेश हमसे नहीं संभलता, क्यों नहीं कहते हैं? ये जाकर के कहे केंद्र सरकार से, सर ये हमसे नहीं संभल रहा है, आप इसको देखिए, हमारी जवाबदारी है। और निश्चित रूप से 28 लोगों को चुन करके भेजा है तो बहुत बड़ी जवाबदारी जिम्मेदारी हमारी भी ठीक है। लेकिन एक बार आप उसमें आगे बढ़ करके पहल तो करिए कि हमसे नहीं संभल रहा, आप संभाल करके दिखाइए। हमें जवाब दे दीजिए आप फिर। मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं और बड़ा सम्मान करता हूं मैं उनका, लेकिन आज की डेट में ये तो नहीं बता पाए। जैसे मैंने बता दिया कि 7 दिन में जो है वो स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन मेरे बड़े भाई ये नहीं बता पाए कि इनके नेता प्रतिपक्ष कब प्रधानमंत्री जी से जाके मिलेंगे, इनके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कब जाके मिलेंगे। वो शिवराज सिंह जी का बयान कहाँ गया कि मेरे मध्य प्रदेश का हृदय, मेरे मध्य प्रदेश का किसान, कहाँ गई वो बातें? क्या 28 सांसदों को इसलिए जिताया था जनता ने कि वो दिल्ली में जो है वो घर लें, TADA लें? और नेता प्रतिपक्ष को इसलिए जिताया था क्या कि वो सरकारी सुविधाओं को उपयोग करें, अपने विधायकों की चिंता करें? अरे शर्म आना चाहिए लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में, और किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते हैं? इनके राज में किसानों के छाती पे गोलियां चलाने वाली सरकार है थी इनकी, इनको तो अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहिए। और रही बात हमारी, डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 7 दिन के अंदर आपको स्थिति सामान्य दिखेगी, और कमलनाथ जी ने जो कहा है वो किया है। हमने अपने वचन पत्र में, चाहे किसानों की बात हो चाहे और मुद्दे हो, हमने वह बात को करके दिखाया है। चलिए उम्मीद ये की जाना चाहिए 7 दिन में मंजिल की एनएक्सी से उतर करके मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का काम होता है। आपके यहाँ कृषि मंत्री पंगू थे, आपके कृषि मंत्री पंगू थे, मुझे याद है कि कृषि मंत्री ने किस तरीके से किसानों के खिलाफ बयान दिया था कि किसान अपने पाप भुगत रहे हैं। आपके कृषि मंत्री किसानों को मुझे खिलावन जी क्या लग रहा है, ये जो लड़ाई है ये यहाँ चल रही स्टूडियो के अंदर बातें हो रही, लेकिन क्या वास्तव में किसान जिस तरह से परेशान है, आप भी जुड़े हुए किसानों से, क्या ये मुसीबत आपको लग रहा है जैसा अमित कह रहा है कि 7 दिन में हल हो जाएगी? देखिए, जो हम कल परसों जानकारी एकत्रित किए थे उसमें 1,20,000 मेट्रिक टन का इंडियन जो है
राज्य सरकार काट चुकी है खादों के, उसमें पोटास भी है, उसमें डीएपी भी है, उसमें यूरिया भी है जी। अब वो कब आएगी? अब अमित कह रहे हैं कि 7 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी, मुझे नहीं लगता 7 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो पूरे जो पूरे देश में खादों का आवंटन, खादों की आपूर्ति ठीक ढंग से करे। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को लेकर के चूंकि केंद्र और राज्य सरकारों में टकराव अभी से दिखाई दे रहा है, और ये होता भी है जब सरकार होता भी है, अलग अलग सरकारें होती हैं तो अलग अलग दलों की सरकारें होती तो होता जूझना किसान को पड़ता है। अभी क्षतिपूर्ति जो अतिवृष्टि से क्षतिपूर्ति है बार बार मांग कर रही है स्टेट गवर्नमेंट केंद्र से, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। इसी तरह इससे टकराव की स्थिति दिखाई देती है जी जी। लेकिन मुझे लगता है किसानों के समुचित हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य को अपने अपने दोनों के जो ईगो है उसको समाप्त करके सिर्फ और सिर्फ किसान और खेती की बात सोचना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए बहुत मनोज जी, दो बातें महत्वपूर्ण बहुत कम समय में बता दी। पहली बात तो ये कि ये पहला वर्ष है जब खाद के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। किसान नेता बैठे हैं, आप पूछ लीजिए उनसे, 1280 रुपया 1270 रुपये में डीएपी उपलब्ध हो रही है, 267-70 रुपए में यूरिया उपलब्ध हो रही है, पोटास का रेट तो नहीं मालूम है मुझे जी, पहली बार देखा हूं मैं 30 साल के पत्रकारिता में कि इस साल खाद की अच्छी खबर है। हाँ जी जी, ये अच्छी खबर है किसानों के लिए। और जैसा अमित कह रहा है तो मुझे लगता है कि अमित किस भाव से कह रहे हैं, किस दावे से कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन आने वाले दिनों में यदि केंद्र और राज्य के बीच में टकराव चलती रहे तो किसानों का भला नहीं होने वाला है, और जो जो बोनी के समय डीएपी और पोटास की जरूरत है उसकी आपूर्ति नहीं होने वाली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। अमित आप मेरे साथ जुड़े, त्रिपाठी जी आप जुड़े, खिलावन जी, चेतन जी, चारों। लेकिन बात वही है कि केंद्र और राज्य का टकराव कोई नया नहीं है, इससे पहले भी जब जब सरकारें अलग हुई है तो इसका सामना किसानों को करना पड़ा है। अभी किसान बहुत परेशान है, लंबी लंबी लाइन में लगा हुआ। मुख्यमंत्री बात कर चुके हैं पीयूष गोयल से, मुख्यमंत्री बात कर चुके हैं जो मंत्री है संबंधित विभाग के उन मंत्री जी से बात कर चुके हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री से भी उन्होंने बात रखी है। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए केंद्र और राज्य के इस टकराव में कम से कम किसानों की मुसीबत ना बढ़े, क्योंकि यदि किसान की मुसीबत बढ़ेगी तो सरकार की परेशानी भी कम नहीं होने वाली। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।